नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स देखिए, आज का DIY बहुत ही सुंदर है, बहुत ही प्यारा है और बिल्कुल मोस्ट प्रोबली जीरो कॉस्ट में बना हुआ है। और ये कैसे बनाया गया, किस तरह से बनाया गया, तो इसको देखने के लिए तो आपको वीडियो कंप्लीट देखना पड़ेगा। और आपसे मेरी रिक्वेस्ट भी है कि अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो देखिए, इसके लिए मैंने डिफरेंट चार्ट्स ले लिए हैं, थोड़े थिक चार्ट हैं नॉर्मल चार्ट से, और 15-20 का एक सीट आ जाता है, काफ़ी बड़ा सीट होता है चार्ट का। और इसको मैंने इस शेप में कट कर लिया है सभी को। और फिर उसके बाद जिस तरह से फ़ैन बनाते हैं, तब हम छोटे थे तो छोटे बच्चे हम आज भी, और हम लोग जब छोटे हुआ करते थे तो हम भी इस तरह के फ़ैन बनाया करते थे, खेलते थे। तो इसी तरह का हमें इस तरीके से फ़ैन बनाने हैं, सभी को इस तरीके से फोल्ड कर लेना है जितने भी हैं। मैंने डिफरेंट कलर्स के लिए हैं, ऑरेंज लिया है, वाइट लिया है, रेड लिया है, चार्ट पेपर येलो लिया है, और इसके अलावा मैंने कुछ गिफ्ट पेपर्स भी लिए हैं जिसमें गोल्डन और वाइट का कॉम्बिनेशन है। गोल्डन उसमें स्टार्स बने हुए हैं और वाइट उसका बेस है। तो इस तरह से मैंने कई सारे ये फैन शेप या आप कह सकते हो विंग शेप मैंने इस तरह से ये DIYs बना लिए हैं। और इनके साथ मैंने स्टिक कर दी है झाड़ू की सीख, ब्रूम स्टिक जिसे आप बोलते हो, तो ये झाड़ू की सीख मैंने स्टिक कर दी है। इसको स्टिक करने का तरीका आप देखिए, इसका जो एक साइड है वहाँ पर अच्छे से फेविकोल लगाया है पूरा एक फोल्ड में इस तरीके से, और उसको इस तरीके से झाड़ू की सीख के साथ, ब्रूम स्टिक के साथ इस तरीके से पेस्ट कर दिया और थोड़ी देर के लिए रख दिया। 2-3 मिनट में ये ड्राई हो जाएगा और इसके साथ ब्रूम स्टिक अच्छे से स्टिक हो जाती है। तो इन सभी को इसी तरीके से येलो, जो रेड है, येलो है और वाइट है, और जो ये गिफ्ट पेपर है वाइट बेस के साथ जिसमें गोल्डन स्टार्स हैं, इन सभी को मैंने इस तरीके से ब्रूम स्टिक के साथ पेस्ट कर दिया है। और ये बहुत ही प्यारे, आप कह सकते हो ये विंग्स भी लग रहे हैं, ये फैंस भी लग रहे हैं, पर मुझे ज़्यादा ये बर्ड विंग्स लग रहे थे, टेल लग रही थी मोस्ट प्रोबेबली, तो बहुत प्यारे ये लग रहे थे। तो इस तरीके से डिफरेंट कलर आप भी कलर ले सकते हैं, ग्रीन ले सकते हैं, पैरेट ले सकते हैं, और पैरेट ग्रीन ले सकते हैं, पिंक ले सकते हैं, जितने भी कलर आप लेना चाहें ले सकते हैं। इसके बाद मेरे पास है ये जूट रोप, तो ये काफ़ी मोटा रोप है। मैंने इसके अलग अलग जो यार्न थे उनको, यार्न को अलग कर लिया है इस तरीके से, देखिए इसमें मैंने 4 पार्ट्स कर लिए इसके। और जो यार्न निकला उस यार्न को मैंने जो ये स्टिक हैं, जो ब्रूम स्टिक्स हैं, इनके ऊपर इस तरीके से देखिए मैं किस तरीके से पूरा इसको कवर कर दूंगी। पहले फेविकोल लगा लीजिए पूरा, यहाँ से थोड़ा सा ऊपर से कीजिए और फेविकोल लगा लीजिए, पूरी स्टिक पर फेविकोल लगा दीजिए, और इसके बाद इसको इस तरीके से पूरे के पूरा रोल कर दीजिए। तो ये काफ़ी सुंदर बनेगा, आप कह सकते हो कि एक तरह से जूट आइटम भी ये बनेगा और बहुत ही रॉयल लगेगा। और आजकल आपको पता भी है कि जूट के आइटम्स बहुत ज़्यादा ट्रेंडी हैं, और जहाँ भी हम जूट के आइटम्स को प्लेस कर देते हैं उसका अपने आप ही एक ट्रेंडी लुक आ जाता है, रॉयल लुक आ जाता है, क्योंकि जो चीज़ मार्केट में और जो चीज़ ट्रेंड में होती है वो अपने आप में एक रॉयल्टी लेकर ही होती है। तो इस तरीके से देखिए, मैंने जूट का जो ये मेरे पास रोप था, ये रियान था, इसको मैंने इस ब्रूम स्टिक पर इस तरीके से रैप कर दिया है। और एक पर नहीं, मैंने सभी जितने भी विंग्स थे, आप कह सकते हो जितने भी फैंस थे, सबकी मैंने ब्रूम स्टिक पर ये मैंने जूट रोप, जूट यार्न इसको रैप कर दिया, जिससे पता भी नहीं चल रहा था कि नीचे हमने किस चीज़ का बेस दिया है। मींस जो ब्रूम स्टिक थी वो बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रही थी, और ये जूट जो है बहुत आसानी से इसके ऊपर रैप भी हो रहा था। और सबसे अच्छी चीज़ ये थी कि क्योंकि फेविकॉल अप्लाई किया गया था नीचे, तो ये पेस्ट भी बहुत मजबूती से हो रहा था और ब्रूम स्टिक भी बहुत स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो गई थी। तो इस तरीके से मैंने सभी विंग्स को, और आप कह सकते हो फैंस की जो ब्रूम स्टिक्स थी, सभी को मैंने इस तरीके से जूट के यार्न से कवर कर दिया। इसके बाद मैंने मौद लिया, मौद मैं आपको किसी वीडियो में ज़रूर बताऊंगी, मेरे पास कई रिक्वेस्ट भी आई थी मौद के लिए, तो मैंने मौद पहले से बना के रखा हुआ है एक एयर टाइट बॉटल में। तो मौद लिया और इस पर मैंने मौद कर दिया। तो देखिए, मौद का जो प्रॉफिट होता है वो ये है कि मौद जिस भी बेस पर आप करते हो उसको बहुत शाइन बना देता है, उसको स्ट्रेंथ देता है, और आप कह सकते हो उसको डस्ट फ्री भी बनाता है कि इजीली आप उस पर डस्ट लगता नहीं है, ड्राई होने के बाद ये उसको डस्ट फ्री बना देता है, और एक लॉन्ग लास्टिसिटी भी उस पेपर को, उस चीज़ को मिलती है जिस पर आप मॉड का अप्लाई करते हो।
तो इस तरीके से मैंने मोर अप्लाई कर दिया और जो ब्रूम का स्टिक बाहर निकला था उस पर भी मैंने कलर कर दिया, वो आपने पीछे देखा। और ये वाला जो DIY पॉट है, ये आपने कल मैंने जो लास्ट टाइम जो वीडियो डाला था उसमें मैंने बनाया था, हैंडमेड था, टोटली वेस्ट मटेरियल से था। और मैं इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, या आप मेरी कल की वीडियो आसानी से देख सकते हैं। तो देखिए ये है वो वाला पॉट जो मैंने बनाया था टोटली वेस्ट मटेरियल से। इसमें भी मैंने इसके ऊपर जो सरफेस है उस पर जूट यूज़ किया था, और ये भी जो फ्लावर आप देख रहे हो ये भी मैंने मोर का यूज़ करके वाटरप्रूफ बना के, डेजी फ्लावर्स मैंने हैंडमेड फ्लावर्स हैं, और जितने भी मैंने ये विंग्स और फैंस जो बनाए हैं डिफरेंट कलर्स के डिफरेंट पैटर्न के जिन पर मैंने जूट का स्टिक लगाया है, उनको मैंने सभी को इसके अंदर इस तरीके से प्लेस कर दिया, डेकोरेट कर दिया, फिल कर दिया। और ये बहुत ही प्यारे लग रहे थे, बहुत ही ट्रेंडी लग रहे थे, बहुत ही रॉयल लग रहे थे, क्योंकि आजकल इस तरह के DIYs, आजकल इस तरह के जो होम डेकोर्स हैं, ये केवल हम DIY ही नहीं, मींस हम अपने आप से ही नहीं बना रहे, घरों में होममेड ही नहीं है ये, आप Amazon, Flipkart, Meesho हर वेबसाइट से आपको ये मिलते हैं, काफ़ी महंगे रेट्स में मिलते हैं। तो इस फ्लावर पॉट को मैंने इस तरीके से यहाँ पर अपने सोफे के दो सोफे के बीच के एरिया में इस तरीके से रख दिया, और पीछे पूरा ग्रीनरी है और उसमें लीव्स लगी हुई हैं वहाँ पर उस एरिया में, वो बहुत प्यारा सा एरिया है एक, जहाँ पर फेरी लाइट्स जली होती हैं हमेशा, ग्लो करती रहती हैं हमेशा। और इसके सामने मैंने इस फ्लावर पॉट को रख दिया, ये बहुत ही सुंदर लग रहा था। और फ्रेंड्स आई होप कि आपको भी ये पसंद आएगा, और जितना भी ये पूरा DIY बना है इसका जितना भी मटेरियल है ऑल इज लगभग वेस्ट है, ऑल इज होममेड, और बहुत ही ट्रेंडी, बहुत ही रॉयल, और आजकल के हिसाब से जो बड़ी बड़ी साइट्स पर, बड़ी बड़ी शॉपिंग साइट्स पर मिलता है बहुत महंगा मिलता है, इस तरह का एक DIY आपके सामने बनकर तैयार हो गया। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये अच्छा लगे, तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मुझे वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अपने व्यूज़, अपनी सजेशंस मुझे बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स, एंड थैंक यू फॉर सपोर्टिंग, थैंक यू फॉर मोटिवेटिंग मी, एंड ऑल्सो टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, बाय बाय, टेक केयर।